दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। ससुराल में अपनी पत्नी को लेने आए एक युवक का शव यमुनानगर में गांधीनगर रेलवे फाटक के साथ गंभीर हालत में मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ ही मिनटों में मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मृतक के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक के ससुर की जमकर पिटाई की। पुलिस व अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मृतक के ससुर को लोगों के चंगुल से छुड़वाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमें नहीं बताया जिन्होंने, इन्होंने साजिश के दौरान मारा और 10-15 लड़कों का गैंग बुला के इन्होंने गैंग मर्डर करा हमारे भाई के साथ। उसके सिर पे तलवारें मारी, गंडासियां मारी है, भगा भगा मारे, सारे में उसके निशान पड़े हैं, टांग तोड़ रखी लड़के की। हमें तो इंसाफ चाहिए जी, हमें वो सारे अंदर चाहिए। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी जी, अब देखते हैं जी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। 13 घंटे के बाद 13 घंटे मर्डर को गए जी, अभी तक कोई हमारा कुछ नहीं हुआ जी। अभी मौके पर पहुंचे जीआरपी व जिला पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। वाइफ यहाँ काफी 10-15 दिन से आई हुई थी, उसको लेने के लिए कल दिन में यहाँ आया था और शाम से 7:30-8 बजे से घर से चला गया था। रात को घर नहीं गया, सुबह इसकी डेड बॉडी रेलवे लाइन पे पड़ी मिली है। हाँ, इन्होंने ऐसा शक जाहिर किया, इसके ससुराल वालों ने इसको मारा, हमने बयान लिख लिया, इसका भी पोस्टमार्टम करा लिया। हाँ, ये भी पता लग गया उसको, जब उस ले गए एक बारी घर ले गए फिर वापस यहाँ डाले, ये भी तब पता लग गया। बाकी रेलवे पुलिस इसकी जांच कर रही है। यमुनानगर से रण सिंह चौहान की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।